जिस बात कर रहे थे आंदोलन के बारे में, आपकी जो सूचना है उसका हम उपयोग करेंगे और निश्चित मान के चलिए कि बीच में रहते हैं तो सारी जो खबर है आपके पास होती है। पिछले वर्ष भी ये आंदोलन पूरे प्रदेश में हुआ, दिक्कतें जन सामान्य को हुई, तो हमारा ये प्रयास है। ऐसा मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि हमारे यहाँ पर 10,000 पूरे जिले में 10,000 ग्राम नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, उसमें हमारे जिले का जो पुलिस का बल है 250, तो पुलिस का जो बल है बहुत कम है। लिए कि हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जिस तरह से मैंने बताया था कि आपसे इस प्रस्तावित आंदोलन में भी आप हमारी मदद करेंगे, ऐसे में आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं। और अब मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय आईजी सर का भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं पुनः पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय डीआईजी सर का भी पुष्पगुच्छ भेंट कर अनुरोध। हमारे बीच में सर का हमारे बीच दिनेश विश्वकर्मा जी, थोड़ा सा तालियों की कमी हो रही है। जिला संयोजक श्री एस एन शर्मा को आमंत्रित करता हूं। रक्षा समिति के इस जिला स्तरीय आपने माननीय संभाग आयुक्त श्री ओझा जी सम्मानित करवाना चाहते हैं। मैं उनके बालकृष्ण खंडेलवाल जी, बालकृष्ण खंडे मा संयोजक सतीश, मुकेश चोरेसिया संयोजक खारा, संयोजक भेरुगढ़, प्रधान पाटीदार संयोजक, गोवर्धन रामलाल संयोजक, उन्हें ईश्वर गोयल संयोजक पाचरोद, ईश्वर गोयल कहाँ है, के थाना प्रभारी, ये पुरस्कार और सम्मान का कार्य थाना प्रभारी के माध्यम से उन तक पहुंचा देंगे। और अगली बार हम प्रयास करेंगे कि थाना स्तर पर, अनुभाग स्तर पर इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित हो। ग्राम और नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, जो सक्रिय सदस्य हैं, पुलिस के साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए उनकी मैं हमारे बीच मंच था जो संयोजक है और हमारे ग्राम तथा नगर रक्षा समिति के सभी सदस्यगण, ये पिछले माह में जो हमने एक और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था उससे भी बड़ी आज मुझे यहाँ पर संख्या दिख रही है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां सभी संयोजकों के लिए आप बजाइए कि इतने छोटी सूचना पर अल्प समय में आपने इतनी संख्या में यहाँ पर देने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। पिछली बार जब आप लोगों को बुलाया गया था तो कार्ड का वितरण का जो है कार्यक्रम रखा गया था, मुझे उम्मीद है सभी को यहाँ पे कार्ड मिल गए होंगे, काफ़ी बड़ी संख्या में कार्ड थे। और जिनको नहीं मिले हम दोबारा से परिचय पत्र उनका इशू कर देंगे। सभी संयोजक जो हैं मोबाइल नंबर के साथ तैयार कर लें, जिससे भी संपर्क करना हो एक सूची की पूरी कॉपी दें कि आप लोगों से हम सभी लगातार संपर्क में रहें। मैं सबसे पहले आप लोगों को
जो सालों के त्योहार हैं उसमें आप लोगों ने हर स्तर पे पुलिस का सहयोग करके पूरे जोश के साथ काम किया। मैंने खुद ने भी देखा कि जो यहाँ पे बाबा महाकाल की सवारी निकलती है या अन्य त्योहार होते हैं उसमें आप लोग किस तरह से कितने जोश के साथ जो है रस्सा थामे हुए और पब्लिक के बीच में से दर्शन कराते हुए कार्य को संभालते हैं, उसमें आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मुझे ये भी पता है कि सभी कस्बों में आप लोग पुलिस के वाले कुछ समय में कुछ एक दो महत्वपूर्ण हमारे सामने जो चैलेंज जिसमें हमें साथ मिलके काम करना है, अभी आपको एडिशनल एसपी साहब ने बताया। वर्तमान में एक तो हमारा मुस्लिम भाइयों का रमजान का पर्व चल रहा है, उसमें आप लोग पुलिस के लिए बहुत साथ मिलके कार्य कर सकते हैं। हमें व्यवस्था लगानी होती है, इफ्तार के समय व्यवस्था होती है, प्रभात गश्त की व्यवस्था होती है, रात्रि गश्त की व्यवस्था होती है, उसमें आप लोग अपनी टीम बना के रोटेशन पे गश्त में आप थाना प्रभारी जो है उस क्षेत्र के उनका सहयोग करिए और उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के आप काम करिए। इसके साथ ही आप जानते हैं कि एक आह्वान जो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच चलना है जो है सहयोग कर सकते हैं। उसमें सहयोग एक तो इस प्रकार से होगा कि आप जो आप अलग अलग ग्राम से आए हैं वहाँ पे जो भी सूचना आपके पास में है आंदोलन के संबंध में वो आप पुलिस तक अवश्य पहुँचाइए। साथ ही अगर कहीं पे कोई नाकेबंदी लगना है, कहीं पे कोई रूट व्यवस्था लगना है, पेट्रोलिंग लगना है, थाने पे व्यवस्था लगना है तो इसमें आप लोग सहयोग करिए। हमारी अपेक्षा है कि पुलिस के जहाँ जहाँ पे भी कैंप बनेंगे उसमें साथ में आपका भी कैंप वहीं पर रहे, आप लगातार पुलिस के साथ में वहीं पर रहें और जो दिनचर्या पुलिस के कर्मचारियों की होती है वही आपकी रहे, आप लोग उसमें सहयोग करिए। इसके साथ ही जो आगे आने वाले अन्य हैं नए सदस्य भी जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी आप लोग जोड़िए और जो पुराने सदस्य हैं वो और अधिक सक्रिय रूप से काम करें जिससे जो हमारी व्यवस्था है लोगों को जो सहूलियत हमें देने रहती है वो हम दे पाएँ। यहाँ पर भी आपसे लगातार हम संपर्क में रहेंगे, आयोजित करेंगे लेकिन सभी हमारे थाना प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं। आप थाने स्तर पे लगातार के जो ग्राम रक्षा नगर रक्षा के सदस्य हैं उनको बुलाइए जिससे लगातार आपका संपर्क बना रहे और आप लोग भी पुलिस विभाग के एक मैसेंजर की तरह हैं जिसमें आप पुलिस का जो संदेश है हर कोने कोने तक पहुँचाते हैं, साथ ही जो लोगों के पुलिस के बारे में फीडबैक है वो हम तक भी पहुँचाते हैं। तो ये एक ब्रिज का पुल का काम आप लोग करते हैं, ये लगातार आप करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, सभी डीआईजी साहब आपको संबोधन करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं तो आप लोगों का महत्व जो है इसी बात से पता चलता है कि सभी अधिकारी आपको कितना महत्वपूर्ण समझते हैं और एक प्रकार से आप उनके लिए पुलिस का ही एक तरह से जो सिविलियन क्लोथ्स में रहती है उसी तरह हम आपको मानते हैं कि हमारा जवान जिस प्रकार कार्य करता है उस प्रकार आप भी जनता के हित में और पुलिस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।